जय श्री राम, जय माता दी। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्ल्ड 24। आज हम पहुंचे हैं चौमू के राधाबाग स्थित गायत्री शक्तिपीठ मंदिर, जहां पर एक शादी समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह शादी समारोह एक अनोखा शादी समारोह है, जिसको आज हम कवरेज करने पहुंचे हैं। आपको बताएंगे कि ये शादी समारोह अपने आप में अनोखा क्यों है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का जो मेन गेट है, इस मेन गेट के बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो शादी समारोह के अंदर शामिल होने के लिए आए हैं। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो तोरण है, तो तोरण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो गया है गाजे बाजे के साथ, और घोड़ी पर दूल्हे ने यहाँ पे तोरण मारा है और आगे की फेरे की कार्रवाई जो है वो आगे हो रही है। फेरे जो हैं मंदिर परिसर के अंदर करवाए जा रहे हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे और आपको बताता हूँ किस प्रकार से ये शादी एक अनोखी शादी है। ये देखिए, मंत्रोच्चार के साथ दूल्हा दुल्हन आपस में वरमाला का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। वरमाला पहना दी गई है और ये अपने आप में एक अनूठी शादी है। ये क्यों है अनोखी, ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको ये जहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं कितने और किस प्रकार से फेरों की जो कार्रवाई है गायत्री पीठ मंदिर के अंदर संपन्न की जा रही है, आप देख सकते हैं। मैं अभी आग्रह करूंगा हमारे गायत्री प्रज्ञापीठ संस्थान के सचिव और हमारे जो है स्वागत करने के लिए आदरणीय, तो ये देख सकते हैं आप गायत्री परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पे मंत्रोच्चार के साथ फेरे संपन्न करवाए जा रहे हैं और बिल्कुल जो वैदिक प्रक्रिया है, वैदिक जो रीति नीति है उसी के अनुसार यहाँ पर पीले हाथ करने की परंपरा रही है और उसके पीछे जो प्रेरणा और शिक्षा है वो ये रही है। और ये पास में बैठे हुए हैं यहाँ पे गायत्री परिवार के समिति बनी हुई है, उस संस्थान के महासचिव अध्यक्ष वगैरह और कोषाध्यक्ष वगैरह बैठे हुए हैं। पूरी जो इनकी टीम है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न करवा रही है। एक बार मैं यहाँ पे कौन कौन लोग जो हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इस शादी के जो साक्षी हैं वो कौन कौन लोग बनेंगे। ये यहाँ पे जो वर पक्ष हैं, वर पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। और ये जो है जिनको अपन बोलते हैं पीले हाथ करने की जो रस्म है वो यहाँ पे आयोजित की जा रही है। और देखिए किस प्रकार से दुल्हन के पिता जो हैं वो हल्दी से पीले हाथ करते हुए और जो पीछे की साइड में आप देख रहे हैं ये वधू पक्ष के जो लोग हैं, महिलाएं हैं वो बैठी हुई है। इनको एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये शामिल हुए हैं। आज उसका मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी बिना दहेज ही है या कोई डिमांड है नहीं। बोले गायत्री माता की इसे अपने सिर पे लगा ले और पास में रख ले, पास में रख लीजिए, नीचे रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। दोबारा समझ ले भाई, कन्या दान का मतलब कन्या कोई वस्तु नहीं है जो दान में देनी गई और मन मर्जी से काम में ले, नौकरानी समझ करके काम में ले। और ये समझ ले कि भाई एक झाड़ू पोछा लगाने वाली आ गई हमारे घर में, आज तो बहुत आनंद हो गए, खाना भी बना के देगी गर्मा गर्म, ऐसा भाव नहीं हो। मिला आपने सिर पे लगाया और लाके पति को दिया, ये मेरे पिता ने दिया है, ये मेरी माँ ने दिया है और आप उसे काम में लीजिए। फिर वो पति भी ऐसे नहीं है जो ये कहने के खिलाफ ला सकते थे, इस जेल में रख लेता हूँ, वो भी बोलेंगे रखो अपने पास, काम भी आएगा वक्त पे, क्योंकि गृह लक्ष्मी के पास ही मुद्रा रहा करती है और जहाँ लक्ष्मी का रूप है तो वही ऐसी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो आइए इसी के साथ, यहाँ पर एक तरह से पहला ऐसा इस प्रकार का पहला कार्यक्रम है कि यहाँ पे किसी के फेरे हो रहे हैं, कोई परिणय सूत्र के अंदर बंधने जा रहा है।
भी अच्छी बात है। तो आप दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए और वर महोदय आप देख सकते हैं कि ये जो शादी समारोह हो रहा है इसके अंदर वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो, कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ मेरे यहाँ 50 से ज़्यादा की संख्या नहीं है। इतनी कम संख्या के अंदर ये विवाह संपन्न हो रहा है, महिलाओं की भी मुश्किल से 15 से ज़्यादा की संख्या नहीं है और जो वधु पक्ष की तरफ से जो हैं उनकी तरफ से भी करीबन 15 से 20 लोग ही हैं। गायत्री शक्तिपीठ संस्थान के अंदर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है और ये अपने आप में अनोखा है कि ना तो यहाँ पे के बारात का इतना झमेला, ना ही इतना इतनी भीड़, मात्र कुछ लोगों की उपस्थिति के अंदर ही ये शादी समारोह जो है संपन्न किया जा रहा है और जो गायत्री परिवार के जो लोग हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ जो फेरे हैं वो करवाए जा रहे हैं। और ये आज के युग में ये शादी एक तरह से मिसाली है, जिस युग के अंदर खर्चीली शादियां की जाती हैं उसमें इतने कम खर्चे के अंदर, कम बजट के अंदर ये शादी समारोह आयोजित किया जा रहा है। ना तो वर पक्ष द्वारा दहेज लिया जा रहा है और ना ही यहाँ पे किसी टेंट का खर्चा है, कैटरिंग का खर्चा है और ना ही कोई गार्डन का खर्चा है। कुल मिलाकर के ऐसी शादियों की आज समाज, हर समाज के अंदर नितांत आवश्यकता है। फालतू फिजूल खर्चियाँ जो है वो रुकती है, तो इनसे धन्य इनके माता पिता जिन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। इससे हर समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हम कम बजट में शादी करें जिससे मध्यम वर्ग और गरीब लोग भी शादियाँ वगैरह कर सकें। और देखिए आप कितने शानदार भजन यहाँ पर भजनों के साथ में ये फेरे संपन्न हो रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं ये फेरों की जो रस्म है वो पूरी की जा रही है। पहले जो कन्या है वो आगे रह करके अग्नि के फेरे ले रही है, उसके बाद में जो दूल्हा है वो आगे होकर के फेरे लेंगे। इसलिए भरी ये मांग मालूम है, बोले मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। ससुराल और पीएल पक्ष वाले दोनों ही इनको आशीर्वाद
सहन पूरा हुआ है, दूल्हा दुल्हन के सहन करवाने का अवसर पर हमारे यहाँ गायत्री परिवार में शादी बाल विवाह। इस समय आप देख रहे हैं कि विवाह की जो रस्म है वो समाप्त हो गई है। दूल्हा दुल्हन माँ गायत्री के का आशीर्वाद लेकर के और अब अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे, परिक्रमा दे रहे हैं। इस समय उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये जो कदम उठाया है एक अलग ही अनूठी शादी का, अगर इनको प्रेरणा कहाँ से मिली। ये परिक्रमा करके, माँ गायत्री की परिक्रमा करके दूल्हा दुल्हन जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। नाम अनिल कुमार गुप्ता है, माता राज राजेश्वरी गायत्री माता का मैं भक्त हूँ। बस माता रानी के आशीर्वाद से है ना मैंने ये कदम उठाया। किसी ने बताया था या आपने? नहीं नहीं, मेरे अंदर भाव है मातेश्री का, जगदम्बा का, बस उसी की वजह से है ना ये मैंने भाव लिया है और मातेश्री के चरणों का उन्होंने मेरा स्वीकार किया भक्त का। आज के युग में कई रस्में हैं वो चालू है, जैसे मेहंदी है, हल्दी है, तो उसको देखते हुए आपको कैसा क्या लग रहा है ये यहाँ पे बिल्कुल कम रस्मों में ये शादी हुई है? सर वो तो अपनी अपनी भावना होती है, पर मैंने ये भी मतलब भावना निभाई और आगे भी निभाता रहूँगा, और जो था मेरा मन का भावना तो मैंने किया। युवकों को क्या कहना चाहोगे? नवयुवकों से यही कहना चाहूँगा कि भाई दहेज रहित है ना विवाह करना चाहिए और अपना जो भी बन सके वो करना चाहिए। क्या नाम है? नेहा गुप्ता। नेहा, ये जो शादी की आपने की है इतनी छोटे से समय में ये शादी हुई है जी। और दूसरा यहाँ पर कई रस्में जो है वो नहीं हुई, सिर्फ फेरों की रस्में हुई है जी। तो कैसा लग रहा है उस परिवेश उस माहौल के अंदर जब इतनी महंगी महंगी शादियाँ होती हैं? मुझे अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी सारी सिंपल शादी अच्छी लगती है। तो क्या पहले से योजना थी या किससे? नहीं, मुझे ना माता रानी के आशीर्वाद से मिले और मैं माता रानी की भक्त भी हूँ वैसे, इसलिए। आपकी सहेलियों की भी शादी हुई है, उनकी शादी धूमधाम से हुई है। हाँ हुई है। तो देख करके कैसा लगता है आपकी शादी कंपेयर? नहीं, मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे है ना शादी सिंपल शादी करना है, इसलिए मैंने हमेशा से यही सोचा था और मम्मी पापा से भी यही बोला था मुझे शादी सिंपल ही करनी है, जैसी भी करनी है। विश्व गायत्री परिवार जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम सरोवर द्वारा संचालित है, उन्होंने के सौसूत्री आंदोलन में एक बिना दहेज की शादी भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है। उसी आंदोलन की श्रृंखला के अंतर्गत आज बिना दहेज की शादी यहाँ पर गायत्री परिवार के द्वारा संचालित की गई। और मैं बताना भी चाहता हूँ कि अभी आप बोल रहे थे कि बहुत सी रस्में नहीं हुई, जो वर्तमान में रस्में हो रही है वो एक रस्म न होकर के पूर्णपन है, जबकि वैदिक रीति और नीति के से विवाह हुआ है। माँ गायत्री का आशीर्वाद इन्हें मिला है और भारतीय परंपरा के अनुसार जो विवाह पहले दिन में हुआ करते थे आज भी दिन में, कुछ कालांतर में विदेशी आक्रांता जब आए तो हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात्रि में विवाह होते थे, जबकि उससे पूर्व देखें तो हम सनातन में देखें, वैदिक काल में देखें तो फेरे जो होते थे वो सूर्य के साक्ष्य में दिन में होते थे। उसी परंपरा को निभाते हुए आज गायत्री परिवार ने इस कड़ी को बढ़ाते हुए पहल का काम किया है। तो ये जो पहल की आपने की या परिवार वाले हैं उन्होंने की? दूल्हा दुल्हन के परिवार स्वयं भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, इनके बड़े भाई है वो वर्षों से गायत्री परिवार जुड़े हुए हैं, उनकी भी इच्छा थी और उनके साथ साथ में दूल्हा और दुल्हन की भी भावना थी, क्योंकि कहते भी जब तक खुद दूल्हा ही आगे नहीं रहेगा, दुल्हन नहीं रहेगी तो माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते और उनको प्रेरणा करने वाले। इसलिए मैं धन्यवाद सबसे पहले देना चाहता हूँ दूल्हा और दुल्हन को कि वो इस चकाचौंध की दुनिया से दूर हट करके उन्होंने इस वैदिक रीति और नीति की शादी को करना स्वीकार किया। देखिए युवा धीरे धीरे हम देखिए जो महंगी शादियाँ भी होती है आप उसमें देखिए इवेंट का मोड चेंज होता जा रहा है, वहाँ पर भी रामायण के वैदिक मंत्रों के साथ आज शादियाँ होती है, तो कहीं ना कहीं सनातन की ओर हिंदुस्तान अग्रसर हो रहा है। आने वाले समय में पुनः भारत विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा। परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार और विचार थे प्रसार थे वो जन जन तक पहुँचने के काम हो रहे हैं, उसी श्रृंखला में कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। चाहेंगी कि जो हम शादी सैंपल कर रहे हैं तो आने वाली जो भी पीढ़ी है, जो भी हमसे छोटे छोटे लोग या बड़े लोग हैं, उनको प्रेरणा मिले कि इससे हमारे समाज की बचत होती है, आर्थिक बचत भी होती है और कोई गरीब हो उनका ज़्यादा ज़्यादा फायदा होना चाहिए। धूमधाम से कोई आजकल अनर्थ पैसा खराब करने से अच्छा है कि साधारण सैंपल किया जाए। प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो जान पैदाइशी प्रेरणा है, हम शुरू से ही, मैं मृत्यु भोज के खिलाफ हूँ, शादी में दूसरा अनिवार्य खर्चा बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं और यही शादी में शादी और सैंपल शादी ही करना चाहिए। तो बच्चे की तो कुछ
बच्चियों की आकांक्षा है, लेकिन बच्चे हमारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं पापा अपने आप जो कह रहे हैं और यही अच्छा है कि हाँ इससे हमें दूसरे को भी प्रेरणा मिले, ताकि कोई आने वाले किसी का कर्जा लेके शादी नहीं कर पाए। आपके परिवार में किसी ने विरोध भी नहीं किया? नहीं नहीं साहब, कोई नहीं, कोई भी नहीं करता है, बिल्कुल सब आपके साथ, बिल्कुल सब साथ। तो जितने भी सुनेंगे तो 10 और करेंगे कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अब आमजन भाई इसी टाइप से शादी एंड सिंपल शादी करे, ताकि किसी भी गरीब आदमी का और गरीब परिवार का भला हो सके। ऐसे समाज समूह का संगठन मंत्री हूँ मैं, और भी समाज को प्रेरित करूँगा, अग्रवाल का डेलवाल समाज, पारिक समाज को, कि आगे ऐसा अपन भी शादी संस्कार करें। तो ये गायत्री प्रज्ञापीठ से हमें सीख मिली थी कि ऐसा संस्कार करने से समय की भी बचत होगी, पैसे की भी बचत होगी, और ऐसा धन विनिवेश मत करो किसी। मैं मानती हूँ, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से, कि सभी को बिना दहेज शादी करनी चाहिए और इस काम को पूरे विश्व तक फैलाना चाहिए, ताकि अपनी जैसी और भी बेटियाँ हैं ना, जिनके पास मतलब कि जो असहाय है और जिनके पास जीवन व्यापन करने के लिए कम पैसा है, तो वो अपना गुजारा अच्छे से कर सकते हैं, और वो भी एक ऐसी ही शादी बिना देश शादी करके और एक विश्व के सामने बहुत बड़ी। तो आपने देखा कि गायत्री शक्ति पीठ मंदिर में किस प्रकार से बिना दहेज की शादी संपन्न हुई है। दूल्हा दुल्हन और परिवारजनों का साफ कहना है कि इस प्रकार की जो शादी है उसकी उन्होंने पहले से योजना बना रखी थी, साथ ही उन्होंने आम जन को, यूथ को और समाज को भी एक संदेश दिया है। उनका कहना है कि इस प्रकार की शादी से एक तो आर्थिक भार परिवार पर नहीं पड़ता, दूसरा बच्चे अपने कैरियर बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की शादियाँ आज के समाज और यूथ के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो है आप तक पहुंच सकें। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस प्रकार की शादी होनी चाहिए समाज में या नहीं होनी चाहिए।